आता बातमी चंदीगड महापालिकेसंदर्भातली. चंदीगडमध्ये भाजपची खेळी यशस्वी ठरलेली आहे. चंदीगडमध्ये भाजपचाच महापौर झालाय. महापौर पदाच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे मनोज सोनकर विजयी झालेले आहेत. भाजपनं चुकीच्या पद्धतीनं निवडणूक जिंकली असा आरोप मात्र राघव चड्ढा यांनी केलेला आहे. चंदीगड महापौर निवडणुकीनंतर आपने हा आरोप केलाय. चंदीगड महापालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे मनोज सोनकर विजयी झालेत. दरम्यान त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे पाहूयात. चंडीगढ़ की डेवलपमेंट को लेकर मैंने अभी भी पहले भी बताया कि कुछ जो ऐसे बड़े मुद्दे हैं वो भी हमारी नज़र में है और जिस तरीके की भी डेवलपमेंट हमारे चंडीगढ़ को ज़रूरत है उन पे मेरी नज़र रहेगी और मैं दिन रात कोशिश करूंगा कि जितनी भी हमारे चंडीगढ़ की डेवलपमेंट है उसको जल्द से जल्द खत्म करें. तो ये समस्याएं इनको जल्दी से जल्द हम सोल्व करेंगे. जैसे डंपिंग ग्राउंड को लेके है वो पहले से चलता ही आ रहा है ना. तो मेरा ज़्यादा और ध्यान रहेगा कि उसको जल्द से जल्द हम जो मेन समस्या हमारे चंडीगढ़ की पहले उसको खत्म करें. दरम्यान भाजपने चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक जिंकली आहे असा आरोप आपचे नेते राघव चड्ढा यांनी केलाय. पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए. इतिहास में आज तक नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया. भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.